जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लगाने और ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के आरोपी दीप सिंधु को आज दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया वो अकेला खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था, तो वही सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उन किसान नेताओं की हवाइयां उड़ गई हैं जिनकी सच्चाई सिद्धू को अच्छे से पता है। या यूं कहें कि हिंसा वाले दिन कौन कौन किसान नेता मौके पर मौजूद था उसके बारे में सिद्धू को पता है, क्योंकि हाल ही में जब किसान नेताओं ने सिद्धू पर तरह तरह के आरोप लगाए तो सिद्धू ने सोशल मीडिया पर किसान नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारी परतें खोलनी शुरू की तो तुम्हें दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सोचिए अब वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जो किसान नेताओं की पोल खोलने का दावा कर रहा। अब उसे पूछताछ होगी कि वो कितने किसान नेताओं को बेनकाब करेगा जो अब तक खुद को बचाते फिर रहे थे। जाहिर है उन किसान नेताओं को बीपी जरूर बढ़ गया है, क्योंकि अब पुलिस हत्या पर वो आरोपी लग गया है जिसे लाल किले की हिंसा का सबसे बड़ा किरदार बताया जा रहा। इसके लिए अब सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की। मीडिया ने जब उनसे लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सही कार्रवाई हुई है। राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में हिंसा लेने से पहले पानीपत पहुंचे, हालांकि वो ज्यादा देर तक नहीं रुके, वे करीब 6 मिनट यहां रुके थे। इस दौरान ही उन्होंने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर अपना बयान दिया। उधर दीप सिद्धू ने पूछताछ में बताया कि वो बिहार की पूर्णिया जाने की कोशिश कर रहा था। दीप की पत्नी और परिवार इस वक्त पूर्णिया में है। पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार, मुंबई, रांची, हिमाचल और पंजाब में लगातार रेड्स की, तब जाकर दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने सीआरपीसी के 41 सेक्शन में गिरफ्तार किया है जो वांटेड आरोपी के लिए सेक्शन होता है। वही सिद्धू ने हाल ही में अपने फेसबुक पेज पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए वीडियो भी जारी किया था। आपको बता दें सिद्धू ने आरोप लगाया था कि किसान यूनियन के नेता लाल किले पर मौजूद थे। उसने कहा था कि उसके पास उन नेताओं के वीडियो सबूत हैं जो लाल किले पर मौजूद थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। यानी कि साफ है कि पूछताछ में सिद्धू जरूर उन नेताओं की पोल खोलेगा जो हिंसा में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।